हाय फ्रेंड्स, संतोष राज कंप्यूटर टेक में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं माउस के राइट क्लिक के बारे में। इससे पहले हम कीबोर्ड बता चुके हैं और माउस में कितने बटन होते हैं उसके बता चुके हैं। आज हम राइट बटन के यूज बताने जा रहे हैं माउस का। देखिए, बता दिए थे माउस में तीन बटन होते हैं, राइट, लेफ्ट और एक स्क्रॉल। ठीक है, तो हम राइट क्लिक का यूज बता रहे हैं। देखिए, चलिए राइट क्लिक किए, कुछ ऑप्शन खुला जिसमें है व्यू, सॉर्ट बाय, रिफ्रेश, न्यू, डिस्प्ले सेटिंग, पर्सनालिटी। ठीक है, व्यू पर गए। देखिए, यहाँ व्यू पर गए तो है मीडियम, लार्ज आइकन्स, मीडियम आइकन्स, स्मॉल आइकन्स। ठीक है, ऑटो अरेंज आइकन्स, आईलाइन आइकन्स टू ग्रिड, शो डेस्कटॉप आइकन्स। ठीक है, हम लार्ज आइकन्स करके देखते हैं। लार्ज मतलब क्या होता है? बड़ा। ठीक है, लार्ज मतलब बड़ा। तो देखिए, डिस्प्ले पर जितना भी टोटल दिख रहा है उस टोटल हमारा आइकन्स है, इसको हमें लार्ज करके देखते हैं। देखिए, लार्ज के बड़ा हो गया। फिर से हम इसे हल्का छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ से करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, व्यू पर जाएंगे और उसके बाद में मीडियम आइकन्स है इस पर हम क्लिक करेंगे तो जो लार्ज हो ले उससे हमारा हल्का छोटा हो जाएगा। देखिए, हल्का छोटा हो गया। फिर हम इससे भी छोटा रखना चाहते हैं तो फिर से राइट क्लिक करेंगे, व्यू पर जाएंगे और इसे स्मॉल आइकन्स कर देंगे तो मीडियम से भी छोटा हो जाएगा। देखिए, हो गया छोटा। ठीक है, फिर से हम देखते हैं, राइट क्लिक करते हैं, व्यू पर गए और एक ऑटो अरेंज आइकन्स है। ये हमारा जितना भी आइकन्स था टोटल अरेंज हो ले, इसको हमें यूज करेंगे कैसे? इससे टिक आउट हटा देते हैं, उसके बाद में आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए उससे हटा दे। अब इसको हम आइकन्स को इधर उधर छिटल रहता तो हमको आइकन्स को अरेंज करना होता तो हम कैसे करते? देखिए, अगर जो बहुत सारा डेस्कटॉप पर आइकन्स है, एक दो रहेगा तो अरेंज कर लेंगे, मगर बहुत सारा टोटल छिटल रहेगा, एक एक करके अरेंज करना काफ़ी टाइम लग जाएगा। मगर कंप्यूटर में क्या है, कम समय में अधिक काम। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करेंगे, व्यू पर जाएंगे और यहाँ ऑटो अरेंज आइकन से इस पर टिक लगा देंगे तो मेरा जितना आइकन से टोटल अरेंज हो जाएगा। देखिए, ऑटोमेटिक अरेंज हो गया। अगर जो एक एक करके करते तो काफ़ी टाइम लग सकता था, मगर हमको डायरेक्ट एक बार करना है तो ऑटो अरेंज पर टिक कर देंगे और हमारा टोटल आइकन्स अरेंज हो जाएगा। अभी ये आइकन्स अरेंज हो ले, अगर जो चाहेंगे इधर खींच के लाने के लिए तो ये आइकन्स इधर खिंचाएगा नहीं, इधर खींच के लाना है। तो फिर से हमको राइट क्लिक करके व्यू पर जाकर ऑटो अरेंज से टिक आउट हटा देंगे, उसके बाद में देखिए अब जिधर रखिएगा उधर रखाएगा। देखिए, रखा रहा ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, राइट क्लिक किए, व्यू पर गए और एक है एलाइन आइकन्स टू ग्रिड। एलाइन आइकन्स टू ग्रिड का मतलब हुआ कि ये अपने लाइन में रहेगा। ये कब काम करेगा? ऑटो अरेंज से हटल रहेगा तब काम करेगा, इस पर टिक लगल रहेगा तो ये नहीं काम करेगा। देखिए, इस पर टिक लगा करके देखते हैं, उसके बाद में इसको हमें हटाएंगे, एलाइन आइकन्स टू ग्रिड कर देते हैं, उसके बाद देखिए फिर कदरों नहीं खिंचाएगा। कहा है कि ये जो है ऑटो अरेंज होल है तो कदरों नहीं जाता है। अगर जो एलाइन आइकन्स टू ग्रिड का यूज करना है तो इसको हटा देंगे और फिर से हमें देखिए अब जा करके इसको यूज कर सकते हैं। देखिए, ये एलाइन आइकन्स टू ग्रिड पर लगा हुआ है, ठीक, तो ये अपना लाइन में ही रहेंगे। चाहते हैं इस दोनों के बीच में रखने के लिए तो ये बीच में नहीं रहेगा। देखिए, इसको बीच पर रखना चाहते हैं तो नहीं रहेगा, या तो नीचे चलाएगा या तो ऊपर चल जाएगा। देखिए, अब उसको हमको बीच में रखना है तो क्या करना है, एलाइन आइकन्स टू ग्रिड से हमारा टिक हटा देना है। तो देखिए, अब देखिए हटा दिए तो इसको बीच में भी रख सकते हैं, इसको गोल बना सकते हैं सर्कल के तरह। देखिए, इसको चौगल हम गोल कर भी सकते हैं, मगर जैसे ही एलाइन आइकन्स टू ग्रिड पर हमको टिक लगा देंगे तो ये अपने ग्रिड लाइन में चल जाएगा, यानी कि अपना लाइन में सब चलाएगा, या ऊपर या नीचे, ऐसे करके देखिए इस तरह से आ जाएगा। फिर हमको अरेंज करना है तो राइट क्लिक करेंगे, व्यू पर जाएंगे और ऑटो अरेंज पर टिक लगा देंगे। एक बच गया है जो कि है, यहाँ देखिए राइट क्लिक किए, व्यू पर गए, उसके बाद में एक है शो डेस्कटॉप आइकन्स। ये जितना आइकन्स डेस्कटॉप पर दिख रहा है, अगर जो हमको मन है कि नहीं ये डेस्कटॉप पर शो करें तो इस पर टिक लगल रहेगा, अगर जो मन है कि नहीं ये हमारा सारा फोल्डर को हाइड करके रखना है तो इससे टिक हटा देंगे ताकि आपको कोई फोल्डर ना देखे। देखिए, इसे टिक हटा दिए, टोटल फोल्डर मेरा हाइड हो गया। फिर लाना है तो फिर से क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, व्यू पर जाएंगे और यहाँ देखिए शो डेस्कटॉप आइकन से इसको टिक लगा देंगे, टोटल आइकन्स मेरा आ जाएगा। देखिए, मेरा टोटल आइकन्स आ गया।
ठीक है दोस्त, आज का वीडियो राइट क्लिक में व्यू के बारे में बता दी है। अगला वीडियो अगर चाहते हैं तो इसमें बता देते हैं, मगर नहीं, इसको एक बार बता देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए आज का वीडियो यही और नेक्स्ट में बता देंगे। थैंक यू।